बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार योग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। कुछ दिनों तो मैं साध संगत दे सन्मुख हाजरी नहीं लवा सकिया। इस तों पहला सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का इतिहास तुसी सुन रहे से। उस दिन पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। मैं अज की कथा नूं इत्थों अगे शुरू करदा। जिस प्रकार सत गुर पिता करत दिवस प्रतिकार श्री अर्जन संगत विखे करते तथायाचार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जेड़े के श्री अर्जन जी दे पिता ने वो प्रतिदिन कार्य करते ने उस ही तरीके दे नाल श्री अर्जन जी लाहौर दे विच उसे तरह संगत दे विच बैठ के उन्हां आचरणां नूं धारण करदे। बीत गयो लव पुर चिर काल करी न सतगुर पुत्र संभाल। कवि जी लिखते ने कि बहुत सारा समा लाहौर दे विच रहिंदिआं होइआं श्री अर्जन जी नूं बतीत हो गया, पर पिता सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मानो कि अपने पुत्र अर्जन जी दी कोई संभाल ना कीती। जितक निकट वरती गोर केरे सब पृथ्वी ते डरें कनेरे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्हें भी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे निकट वर्ती सेवक ने वो सारे दे सारे मानो के पृथ्वी तो बहुत ज्यादा डरदे। तिम जिस को रुख देखण कर तिम बरत अर बदन उचर है। जिस तरह का रुख पृथ्वी का वो देखते ने उसे तरीके दे नाल पृथ्वी दे नाल वो वरतदे ने और जो उसनु चंगा लगता है वो ही मुंह दे विचों कहिंदे। बोलत को सन मानत कने तिस ते लेत काज जो बने। मानो के पृथ्वी दे बोलन नु बहुत ज्यादा आदर देंदे हन और तिस ते लेत काज जो बने जो काम जो लोड़ आ बने सिखां दे उते ओ पृथ्वी तो लेंदे ने या पूरी करदे। श्री अर्जन को सिमरै नाहिन कब प्रसंग ते करें सराहिन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े निकटवर्ती सतगुरां दे सेवक ने ओ श्री अर्जन जी नूं कदे याद नहीं करदे, कदे भी उन्हां दी गल शुरू करके प्रसंग शुरू करके उन्हां दी शलाघा नहीं करदे, ओ पृथ्वी दीआं ही गल्लां करदे। सब पृथ्वी ते कर कै त्रास
इसे सराह सुगन पर काश। सारे दे सारे पृथ्वी तो डरदे ने, ओदा त्रास मनदे ने, इस करके पृथ्वी नु सुनाउंदे ने और उस पृथ्वी दे ही शुभ गुणा नु प्रगट करके सामने रखदे। पुत्र परख बेहत की हकाल, नहीं कह पे जो कबे कृपाल। पर कवि जी लिखते ने के दूसरे पासे अपने पुत्र श्री अर्जन जी दी परखना दे वास्ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी भी कदे श्री अर्जन जी नु याद नहीं करदे ते ना ही कदे कोई संदेशा गुरु जी ने लाहौर कर लिया। हमने आज्ञा दीन सताहे, तिसमें निश्चल रहे के नाहे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपने मन दे विच विचार करदे ने कि असी श्री अर्जन जी नू आग्या दे के हुक्म दे के लाहौर विच कल्या होया है। असी देखना चाहुने हां कि साडे हुक्म दे विच ओ निश्चल अटल रहिंदा है या नहीं रहिंदा। बिना कहे चल आए आवासे, तो आयस को करे बिनासे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सोचदे ने कि जे साडे बगैर कहे तो ओ घर दे विच वापस मुड़ आया तां असी समझांगे कि साडे हुक्म दी उसने उलंघना कीती। जब लो हम कह पठै न ताहूं, तौ लगे स्थित रह पुर माहूं। गुरु जी विचारदे ने इस करके जिन्ना चिर तक असी उस नूं बुलाउण दे वास्ते किसे सिख नूं नहीं करदे उन्ना चिर अर्जन नूं चाहीदा है कि साडे हुक्म दे मुताबक ओ लाहौर दे विच ही रवे। तौ आयस मैं रह बेवारो, होवे गुरता केर आधारो। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपने मन दे नाल विचारां करदे ने कि जेकर अपने आप आ गया तां साडे हुक्म दी उलंघना होवेगी। जिन्ना चिर असि नहीं उस नूं कोई संदेशा करदे उन्ना चिर ओनू आउणा नहीं चाहीदा। जेकर ओह ना आया ते फिर असि मन्नांगे कि साडे हुक्म दे विच ओह रहण वाला है। फिर होवै गुरता केर आधारो, तां ही असि समझांगे कि गुरु पदवी दा अधिकारी अर्जन। इम विचार कर सिमरियो नाही, चिरंकाल पा लवपुर माही। कवि जी लिखते ने कि इस तरह दी विचार करके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने नहीं याद किया अर्जन नू। बहुता चिर बतीत हो गया पर कहिंदे ने कि लाहौर दे विच श्री अर्जन जी रहे, गुरु जी ने याद ना किया ना ही कोई संदेश कर लिया। सो दर्शन को चाहते ऐसे, चात्रक चितवत कान को जैसे। पर दूसरे पासे कवि जी लिखते ने कि श्री अर्जन जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दर्शना दी चाह इस तरह करदे ने जिवें मानो के पपीहा चाह करदा है बदलां दी। क्योंकि जेकर बदलां दे विचों मीह वरेगा, स्वाति नक्षत्र दे विचों बूंद निकलेगी, तां ही उस बूंद नूं पपीहा ग्रहण करेगा, तां ही उसकी प्यास बुझ सकेगी। मानो के जिवें पपीहा स्वांति बूंद दी चाह करदा है इसे तरह दी चाह करदे ने श्री अर्जन जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दर्शना दे। कल नहीं पर हृदय मह कबे, प्रेम प्रवाह ब्रदय और तबे। एक पल भी चैन नहीं आउंदा, कदे शांति नहीं पैंदी, हृदय दे विच कदे कोई सुख नहीं हुंदा। प्रेम प्रवाह ब्रदा और तब है, कदे कदे ऐसा गुरु जी दे चरणा दा प्रेम दा जरा प्रवाह है ओ अर्जन जी दे हृदय दे विच वह तुरदा है। बहुत विचारत गुर गत भारी, सिमरत पौड़ी शब्द सुधारी। श्री अर्जन जी ने बहुत विचार कीते, सतगुरु सच्चे पातशाह जी जेड़े के गति भारी वाले ने उन्हां दी बड़ी विचार कीती ते फिर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी याद दे विच श्री अर्जन जी ने गुरबाणी रची और उस वेले
गुरु जी नू याद करदिया शब्द की पहली पौड़ी उन्होंने रची। सो कागद पर लिखी बनाए निज मन दशा जथाया को लाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिस तरह की श्री अर्जन जी दे मन की दशा सी व्याकुलता वाली उसे अनुसार उस वेले उन्होंने गुरबाणी की रचना की। एक पौड़ी नू सुधार के बनाया ते फिर उसनू बना सवार के एक कागज दे उत्ते लिख दिता। श्री मुख वाक मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्र की न्याई। इस गुरबाणी नू देखदे हां शब्द हजारियां दे विच इह गुरबाणी है भावे के अजकल उस दे उत्ते लिखिया होया माज महला पंजवां पर जदों इह गुरबाणी दी रचना होई है उदों अजे श्री अर्जन जी गुरु अर्जन नहीं सन बने इस करके श्री मुख वाक ही लिखिया है ग्रंथ दे विच। मेरा सिर्फ कहण तो पावे है कि सतगुरां ने उस वेले फिर इह लिखिया मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्र की न्याई। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी हुण फरमान करदे ने कि मेरा मन गुरु जी दे दर्शनां नूं इस तरह लोचदा है कि जिवें मानो के चात्रक जिहड़ा है जिहड़ा बबीहा है उह शांति बूंद नूं तरसदा है कि मैनूं शांति बूंद मिले जिस तरह उहदी तड़प हुंदी है उह विरलाप करदा है उसे पपीहे वांग मैं भी गुरु जी दे दर्शनां नूं लोड़दा हां। त्रिखा न उतरै सांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। श्री अर्जन जी लिखते ने कि मेरी त्रिखा नहीं उतरदी मेरी ते नहीं उतरदी ना ही मेरे मन नूं एक पल भी शांति आउंदी है बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। जिन्ना चिर मैनूं दर्शन नहीं हुंदा संत प्यारे दा। हुण संत जिहड़ा लफ्ज है इह सतगुरु दा वाचक भी मन्निया जा सकदा है कि जिन्ना चिर दर्शन नहीं हुंदा गुरु प्यारे दा उन्ना चिर मेरी ते नहीं मिटदी उन्ना चिर मैनूं शांति नहीं आउंदी। ते जे दूसरा अर्थ लाईए ते वी बन सकदा है अर्थ कि जिहड़े संतां दे प्यारे गुरु जी ने जिन्ना चिर मैनूं उन्हां दा दर्शन नहीं हुंदा उन्ना चिर ना मैनूं शांति आउंदी है ते ना मेरी त्रिखा जिहड़ी ते है ना दर्शनां दी उह बुझदी। हौ कोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो। अगे गुरु जी लिखदे ने कि मैं वारी जाना हां मैं कोली जाना हां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दत्तों जेडे के संतां दे प्यारे ने। अगे लिख दिता रहाओ। रहाओ दा मतलब हुंदा है ठहरा। एक सिख हाथ सौंप कर दीन से तिसके साथ बचन अम कीनस। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि मुढ़लियां ये तुकां सतगुरां ने उचारियां फिर कागज दे उत्ते लिखियां ते उह सिख नूं श्री अर्जन जी ने इस तरह हुक्म किया। कहिंदे ने ए अरदास लेहो कर तारी दीजै सतगुर केर अगारी। श्री अर्जन जी ने उस सिख नूं आख्या कि मेरी जड़ी अरदास है भाव के ये जड़ी मेरी लिखी हुई चिट्ठी है ये तू अपने हाथ दे विच लै के ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच जाके हाजिर कर उन्हां नूं दिखा। कृपा करें जब बाचे बौर तोहे जिम उतर दे। श्री अर्जन जी तकीद कर रहे ने पक्कियां कर रहे ने कि जदों मेरी लिखी हुई ये चिट्ठी कृपा दे समूह सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी वाचणगे भाव के पढ़नगे फिर जिस तरह दा वो अगों तेनू उत्तर देणगे। सुन कर श्री सतगुर के बैन पौने आवो लवपुर निज ऐण। कहिंदे ने कि तू चिट्ठी जाके वखावी फिर वो चिट्ठी नू गुरु जी पढ़नगे ते फिर जवाब दे विच तेनू कोई उत्तर देणगे जेड़े सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उस वेले तेनू बचन मेरे वास्ते आखणगे तू उन्हां नू याद करके फिर लाहौर दे विच मेरे कोल आ जाई ते जो गुरु जी ने आख्या होवेगा वह मैनू कह दे। सुन कै श्री अर्जन ते तब लई पत्रिका मिल सिख सबै।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि श्री अर्जन जी ने जेड़े बचन कहे सन उन्हां नूं सिख ने सुनिया ते उन्हां दे वल्लों लिखी हुई पत्रिका भाव के चिट्ठी उह सिख ने अपने हथ दे विच फड़ ले। कर बंधन को त्याग लहार गमण्यो पंथ सुदासर ओर। चिट्ठी लैके नमस्कार करके श्री अर्जन जी दे चरणा दे उते लाहौर तो चलिया है ते चल पिया है सुधा सर दे वल। सुधा दा भाव हुंदा है अमृत, सर दा भाव हुंदा है सरोवर, जिहड़ा के अमृत सर सरोवर है क्योंकि पहला इसका नाम गुरु का चक सी, इसे नूं सुधा सर भी कहा जाता रहा ते आउंदिया आउंदिया बदलदिया बदलदिया इसका नाम अमृतसर हो गया। पिछे ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने इस गल का हवाला दिता सी कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल भी रहा करते सन ते सुधासर भी चले जाते सन, इसे तरह दोवां पिंडां दे विच उन्हां दा आउणा जाणा लग्या रहिंदा सी। पर इस जगह दे उत्ते कवि जी ने यह गल दसी है कि जेड़े समय दा यह वाकया है उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुधासर दे विच टिके हुए सन, इस करके सतगुरां नूं चिट्ठी दिखाउण दे वास्ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਮਗ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰ ਆਇਓ ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਓ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਾਇਓ ਤਹਾਂ ਕੋ ਲੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਕੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਬੈਸਿਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਉਪਰ ਪੌਰ ਪਿਖਿਓ ਓਪਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਔਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਓਪਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਔਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੂਝੋ ਕਰਿਓ ਕਹਾਂ ਤੈਂ ਆਇਓ ਪਤੀਆ ਕਰ ਤੁਵ ਕਿਨਹਿ ਪਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਕਲ ਬਤਾਇਬ ਮੈਂ ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਬ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੱਤਰੀ ਭੇਜੀ ਅਣਜ ਤੁਮਾਰੇ ਧਰੋਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਥਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਤਰ ਦੇ ਸੋ ਲੈ ਜਾਊਂ ਗੁਰ ਸੁਤ ਲੱਗ ਕੋ ਜਾਏ ਸੁਣਾਊਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚਮਕਿਓ ਮੋਹ ਦਿਖਾਏ
मैं गोर निकट सो देओ पहुंचाए। उस वेले चट ही चमक के पृथ्वी ने आख्या, केंदा मोहे दिखाओ, लिया चिट्ठी मैनू दिखा। मैं गुर निकट सुद्यो पचाए, कहिंदा मैनू दे दे चिट्ठी, मैं अपने आप ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी नू चिट्ठी दिखा देंगा, तेनू जान दी कोई लोड़ नहीं। तो हे जान को अब नहीं समो, डेरे जाओ यहां कर नमो। पृथ्वी ने सिख नू आख्या कि इस वेले सतगुरां दे कोल होर कोई जा नहीं सकदा, तेरे जान दा समा नहीं है, हुण तू अपना जाके डेरा ला ते इथों ही नमस्कार करके चले आ जा, चिट्ठी मैनू दे। जदों पृथ्वी ने इस तरह की गल की ते पृथ्वी दे बारे कुछ पता नहीं सी सिख नू, उसने आख्या चलो सतगुरां दे साहिबजादे दी चिट्ठी है और सतगुरां दा साहिबजादा है जिदे हथ दे विच मैं दे दित्ती है, की फर्क पैंदा है जे सतगुरां दे कोल मैं नहीं पहुंचाई, ये आपे पहुंचाण देणगे क्योंकि कह रहे ने। यह सोच के चिट्ठी पृथ्वी नू उसने दे दित्ती ते उत्थों ही नमस्कार करके वह चला गया, जाके गुरुद्वारे दे विच उसने डेरा लाया। खोल पत्र का पृथ्वी हेरी, पठी तुका सोठ लिखी बडेरी। पर दूसरे पासे कवि जी लिखते ने, खोल पत्र का पृथ्वी हेरी, ओदे जान तो पिछों जड़ी चिट्ठी कली हुई सी उसनू खोल के पृथ्वी ने वेख्या। पठी तुका सुठ लिखी बडेरी, ते ओदे विच जड़ियां तुका लिखियां हुईयां ने ओ बड़ियां सुंदर ने, तुकांत मेल बनदा है बहुत सोहना। ए तो बाणी करी बनाए, चौ पातशाहन की जिस पाए। उस चिट्ठी दे विच जड़ा कुछ लिखिया होया सी उसनू पढ़ के पृथ्वी ने मन दे विच विचार कीती कि ते बाणी लिखी हुई है अर्जन ने, जिमें पहले चार गुरु साहबान बाणी लिखते ने उसे तरीके दी इस अर्जन ने बाणी लिख के कली। जिन मैं प्रेम जनावन की नस, मिल बे की लालस मन पीनस। मन दे वे सोचदा है कि इस बाणी दे राही मानो के अर्जन ने अपने प्रेम नू जनावना कीता है और मिलन दी जिहड़ी लालसा है ना वह प्रगट कीती है कि हे सच्चे पातशाह मैं तुहानू मिलना चाहुंदा हां, भाव मिलने दी लालसा दे विच इह खत भेजा होया। पठै पिता जब तिसै हकार, होए प्रसन्न निज थान बिठावै। विचारा करदा है मन दे नाल कि जे मैं चिट्ठी दे दित्ती अपने पिता सतगुरु रामदास नू, फिर चिट्ठी नू पढ़नगे ते फिर उसनू बुला लेणगे क्योंकि उसने मंग कीती है, मैनू चैन नहीं आउंदा सच्चे पातशाह जिन्ना चिर मैं तुहाडा दर्शन नहीं कर लैंदा। फिर कहिंदा होए प्रसन्न ने जथान बिठावै, फिर इन्ना ज्यादा प्रसन्न हो जाणगे अपने छोटे पुत्र दे उत्ते कि उसनू अपने सिंघासन दे उत्ते बिठा देण। इस कारण ते नहीं दिख रामो, अपने खीसे बिखै रखावो। इस करके पृथ्वी ने सोचा कि मैनू चाहिदा है कि मैं ये चिट्ठी जड़ी कली हुई है ना ये सतगुरां नू दिखावा ही ना, अपने जेब दे विच पा के इस नू लुका के रखा। इस तरह दे विचार करके सतगुरां नू चिट्ठी नहीं दिखाई कि कोई चिट्ठी श्री अर्जन जी ने कली है लाहौर दे वलों अपनी जेब विच पा के उस नू लुका रखे। नहीं सतगुर के टिग पहुंचाई, राख अपने पास छुपाई। कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे कोल नहीं चिट्ठी पहुंचाई, अपने कोल ही रखी उसने लुका के। निशा गुजारी कर सिख डेरा, आयो गुरदर होत सवेरा। ओ जरा सिख चिट्ठी लाहौरों लैके आया सी उसने डेरा करके उस रात नू बतीत कीता ते जदों ही सवेरा होया ते गुरु जी दे दर्शना दे वास्ते वो पहुंच गया उत्ते। पृथ्वी ने अवलोकन कीना, निकट हकारस उत्तर देना। सतगुरां दे दर्शन फिर भी पृथ्वी ने नहीं होण दिते, दूरों ही वेख के पृथ्वी ने अपने कोल उसनू बुला लिया ते कोल खिलार के उसनू फिर पृथ्वी ने इंज आख्या। कहिंदा है पठी पत्र का सतगुर सोए, हरखत पए कुशल जुत जोए। पृथ्वी कहिंदा है हे भाई सिखा, जिहड़ी तू कल चिट्ठी मैनू दे गया सी
ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਅਰਜਨ ਦੇ। ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਇਤ ਤੇ ਸਭ ਦੀਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਕਹੀਜੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ। ਲਵਪੁਰ ਮੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋ ਲਹੀਐ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਬ ਤੁਮ ਗਮਨੋ ਕਾਜ ਨਿਆਣਾ, ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਬ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਛਲ ਕਰ ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦਇਓ, ਪੋਰ ਹੋਤ ਹੀ ਪਠਬੇ ਕੀਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਪਟ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਗਿਓ ਲੰਘਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਲਾਹੌਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਮਿਲ ਕਰ ਜੋਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਮਿਲਿਓ ਪੌਰ ਪਰ ਪ੍ਰਥੀਏ ਸੰਗ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਾ ਗੁਰ ਢਿੱਗ ਗਾਇਓ, ਪੋਰ ਪਈ ਮੁਝ ਸੋ ਕਹਿ ਦਇਓ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਦੇਹੋ ਸੁਧ ਜਾਏ, ਪੜ ਲੀਨਸ ਜੋ ਤੈ ਲਿਤ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੜ ਲੀਨਸ ਜੋ ਤੈ ਇਤ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿੰਤ ਉਪਾਈ, ਮੋਹ ਬਿਸਾਰਿਓ ਪਿਤ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਬਿਸਾਰਿਓ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਦਾਈ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕੱਲੀ। ਦੂਰ ਰਹੇ ਨਿਤ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿਆਰੂ, ਢਿੱਗ ਵਰਤੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਰੂ। ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि मेरी विथ्या नू पढ़ के उन्हां नू चाहिदा सी कि मैनू बुला लेंदे, मेरे प्रेम नू पछाण दे, पर इस तरह नहीं होया। पठी पत्र का उत्तर ना लिखियो, मुझसो प्रेम ना यांते पिखियो। सोचदे ने कि मेरी चिट्ठी नू पढ़ भी लिया, मेरी वेदना नू जान भी लिया, पर तामी उत्तर लिख के नहीं कर लिया। मुझसो प्रेम ना, मैनू लगदा है मेरे नाल सतगुरां दा प्रेम नहीं है, यहां ते पिखियो। इसे करके उन्होंने इंज किया। अंतर जामी गुरु उदारे, जान्यो केव नहीं प्रेम हमारे। फिर श्री अर्जन जी दे मन दे विच होर ख्याल पैदा होया कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ते अंतर जामी ने, ओते दयालता वाले गुरु ने, जान्यो किम नहीं प्रेम हमारे, पर फिर भी अंतरजामी सतगुरु ने मेरे प्रेम नू नहीं जानिया कि मैं किन्ना उदास हां, किन्ना चिंतित हां, किन्ना उन्हां दी बिरहा दे विच तड़प रहा। दर्शन को चाहत दिन रैन, जल जुत रहे तरसते नैन। श्री अर्जन जी सोचदे ने कि सतगुरां दा दर्शन करन दे वास्ते रात दिन मैं चाहुंदा रहना हां कि कदों मैनूं सतगुरां दा दर्शन होवे। जल जुत रहे तरसते नैन, हंजुआं दे नाल भरे होए मेरे जिहड़े नेत्र ने ना, उह सतगुरां दा दर्शन लोड़दे ने, पर सतगुरां ने इस गल नूं नहीं परखे। दीन जान मुझ कबे बुलावे, सिर पर कर फेर हर खावे। मैं ते इस गल नूं लोचदा रहिंदा हां के मैनू दीन जान के, मैनू गरीब जान के कदों अपने कोल बुलाउणगे, कदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैनू लागे बिठा के अपना पवित्र हस्त कमल मेरे सिर दे उत्ते फेर के मैनू खुश करनगे, मेरे भागां दे विच ये घड़ी कदों आवे। से बड़ पागे रहें जो पास, मुख पिख बच सुन पुरवें आस। हुण मन ही मन दे विच कई तरह दीआं विचारां श्री अर्जन जी विचारदे ने, सोचदे ने कि से बड भागे रहें जो पास, ओह वड्डे भागां वाले ने जिहड़े हमेशा सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल रहिंदे ने, मुख पिख ओह सतगुरां दा मुखड़ा देखदे ने, उहनां दा दर्शन करदे ने, बच सुणै फिर सतगुरां दे मुखारबिन तों जिहड़े बचन निकलदे ने उहनां नूं श्रवण करदे ने, उहनां नूं सुणदे ने, पुरवां आस ते उहनां दीआं सारीआं आसां पूर्ण हुंदिया ने, पर मेरी आस पूरी नहीं हुई। हौ निरभाग बेयोगी होवा, चिर बीत्यो नहीं दर्शन जोवा। वड्डे भागां वाले ने जिहड़े सतगुरां दे कोल रहिंदे ने, उहनां दा दर्शन करदे ने, उहनां दे बचन सुणदे ने, पर मैं श्री अर्जन जी कहिंदे ने खोटे भागां वाला हां, माड़े भागां वाला हां, मैं ते विछोड़े दे विच तड़पदा हां, बड़ा चिर हो गया पर मैं ते सतगुरां दा दर्शन भी नहीं कर सकया। इम चितवत चित चिंत बिसाला, बीत गयो पुन केतक काला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, इस तरह बड़ा चितव्या, बड़ी चिंता कीती, बड़ा सोचया, बड़ा विचारिया, पर कुछ हथ पले ना लगा। बीत गयो पुन केतक काला, इसे तरह करद्या कराद्या होर बहुत सारा समा लंघ गया। दुतिया शब्द को पद रच लीन, लिख कागद पर पठ बो कीन। फिर इसे ही शब्द का जड़ा अगला पद से समा पा के श्री अर्जन जी ने ओ रच लिया, ते फिर उसनु चंगे तरीके दे नाल एक कागज दे उते लिखिया, लिख के फिर उसनु वाचिया, उसनु पढ़े। तिसी सिख को बौर पठावा, जाओ अबे सतगुर जिस थावा। दूसरा पद शब्द दा रच के एक कागज दे उते लिखिया, फिर उसनु पढ़िया, ते फिर उसे ही सिख नु फिर कल्या जिन्नू के पहली बारी चिट्ठी दे के कल्या से, ते हुक्म कीता जाओ अबे सतगुर जिस थावा। कहिंदे ने मेरी चिट्ठी नूं लै के चलिया जा जिथे सतगुरु जी है। सो पद शब्द कहों लिख आवे, दर्शन प्यास पानी बिच तवे। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने
के जड़ा अगला पद शब्द लिखिया श्री अर्जन जी ने मैं वो तुहाडे सामने पेश करदा हां। जिन्हां तुकां दे विच श्री अर्जन जी ने मानो के दर्शना दी प्यास नूं जाहर कीता। श्री मुख वाक तेरा मुख सुहावा जीव सहज तुन बाणी चिर हुआ देखे सारंग पाणी। श्री अर्जन जी ने लिखिया है कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुहाडा जिहड़ा मुखड़ा है वह सुहावना है वह शोभनीक है सहज तुन बाणी और तुहाडी जिहड़ी बाणी है वह बड़ी सहज धुनी वाली है बड़ी सहज है बड़ी शांतमई। चिर हुआ देखे सारंग पाणी अपनी वेदना नूं जाहर करदे ने कि बड़ा चिर हो गया है तुहाडा मैनू दर्शन कीत्या सारंग पाणी दा। सारंग दा अर्थ हुंदा है तनिश और पाणी दा मतलब हुंदा है हथ। इत्थे इस तुक दे दो अर्थ बन सकदे ने। विद्वान सज्जन दो तरीकियां दे नाल इस तुक दा अर्थ करदे ने। एक ते कहिंदे ने कि उन्हां ने यह लिखिया है कि बड़ा चिर हो गया है मैनू तनिश धारी दा दर्शन कीत्या होया। इत्थे गल कीती है विष्णु भगवान दी कि जिन्हां ने अपने हथ दे विच सारंग तनिश भाव फड़िया होया उन्हां दा दर्शन कीत्या बड़ा चिर हो गया। त्याम करके अपना जिहड़ा मत है वह मत भी यही है कि जो भी दुनिया के उत्ते सतगुरु बन के आता है वह विष्णु का अवतार होता है। तो दूसरा अर्थ ये भी लग सकता है पपीहे दे वल चिर हुआ देखे सारंग पाणी सारंग पपीहे नूं भी आख्या जाता है। तो इस तरह मन लो कि उन्होंने ये जाहिर किया है मैं पपीहे वर्गा हाँ तो मैनू वह स्वांति बूंद वाला जरा पानी है ना वह अजे तक नसीब नहीं होया। इस तरह दो अर्थ दे बनते धन सो देश जहां तो वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जीव। अगे लिखते ने कि तनो इलाका है तनो नगरी है तनो देश है जिथे हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी तुसी वसदे हो तुसी मेरे सज्जन हो मेरे प्यारे मीत हो और मुरारे मुरारे तो भाव है तुसी प्रभु भी हो। हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। मैं वारने जाना हाँ मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी बलिहार जाना हाँ तुसी मेरे सज्जन हो मैं तुहाडे तो बलिहार जाना हाँ वारने जाना हाँ हे प्रभु तुसी मेरे मीत भी। इस तरीके दे नाल शब्द लिखिया अगे फिर लिख दिता रहाव। कागद को सकेल कर दीना सिख ने ले कर प्याना कीना। कागज नूं फिर इकट्ठा कर दिता ते फिर उस सिख दे हथ दे विच दे दिता ते सिख लैके तुर पिया। सुधा सरोवर को चल आयव तरन दुरे गुर दर दरसायव। सुधा सरोवर दे वल अमृतसर दे वल वो चल के आ गया है। तरन दुरे गुर दर दरसायव बड़ी सुंदर कविता का प्रमाण देंदे। तरन का भाव हुंदा है सूरज दुरे का भाव हुंदा है लुक जाना। कहिंदे ने कि जदों सूरज लुक गया भाव छुप गया उस वेले मानो कि वह नगर दे विच पहुंचे। तिस छिन होत सदन के माहे वहर न होते मिले किस पाहे। ते जदों पहुंचया है नगर दे विच ए समा भी उही सी कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी घर दे अंदर ही हुंदे हन बाहर संगत दे विच नहीं हुंदे ते आम आदमी उस वेले गुरु जी नूं नहीं मिल सकदा। कहिंदे ने कि तिस छिन होत सदन के माहे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे घर दे विच सन वहर न होते मिले किस पाहे बाहर किते नहीं सन कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं ओ सिख मिल पैंदा। थिरयो पौर पुर घटका जबै पृथिया निकस्यो करते तबै। दरवाजे दे विच ड्योड़ी दे विच बैठ के ओ सिख उड़ीक करन लगा। उड़ीकदिआं उड़ीकदिआं अजे घड़ी क बतीत होई सी कि अंदरों पृथिया निकलिआ। बैठ्यो सिख पछाण्यो सोई लखियो अनज कछ भेज्यो होई। प्रीति ने झट ही उस बैठे हुए सिख नूं पछाण लिया कि इह ते उही सिख है जिहड़ा पहला भी आया सी। भरा दी चिट्ठी नूं लैके सोचदा है प्रीतिया कि हुण भी जरूर उसने कुछ कल्या होवे। निकट हकार्यो पूछण कीन सिख ने काड़ पत्रका देन।
लागे बुला के पुछया प्रिथे ने किवें आया, ते ओ नहीं सी जानदा प्रिथे ने कपट नू, उसने फिर उसे तरह चिट्ठी कट के अगे कर दिती। खोल पड़ो संकट पाया से लगियो सेल करकत और जैसे। ते जदों प्रिथी ने खोल के चिट्ठी नू पढ़िया ते कवि जी लिखते ने इन्ना ज्यादा दुखी होया, इन्ना ज्यादा उसनू पीड़ा व्यापी के जिवे मानो उसके शरीर दे विच कोई बरछा चुभ गया होवे, ते जिस तरह वह फिर हिलण दे नाल पीड़ करदा है ना, रड़कदा है, इस तरह उसनू पीड़ होई। रचन लगियो अब नित प्रति बाणी गुर की कीरत बीच बखानी। मन ही मन दे विच सोचदा है कि हुण ते रोज प्रतिदिन अर्जन गुरबाणी लिखण लग पिया है जिदे विच गुरु दी कीर्ति दा वो बखान करदा है। जिम पित रचै तथा सो करही रीजै सतगुर जबै निहरही। सोचिया प्रिथी ने कि जिवें पिता जी गुरबाणी रचदे ने ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਤਵ ਸਿੱਖ ਕੋ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਵ ਕਹਿਤ ਪਾਇਓ ਮੈਂ ਦੇਊ ਪਹੁੰਚਾਇਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੀਸੇ ਪਾਏ ਸਦਨ ਨਿਜ ਗਇਓ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ ਬੁਲਾਵਣ ਕਯੋ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ ਬੁਲਾਵਣ ਕਯੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਾਤੀ ਜੋ ਪਠਾਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਠ ਕਰ ਹਰ ਖਾਏ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਮ ਸਭ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਆਨੰਦ ਇਤ ਤੇ ਸੁਧ ਦਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ ਆਨੰਦ ਇਤ ਤੇ ਸੁਧ ਦਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਅਰਜਨ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਅਬ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਮ 300 ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਸਾਲ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰਾਵੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਬਣਾਵੋ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਰਸ ਹਮਾਰਾ ਮਿਲੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖਣ ਨਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਘੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਕਰੇ, ਮਿਲੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖਣ ਨਸਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੱਲੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵੋ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਹਿਤੇ ਕੀ ਨਸ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤਬੇ ਵਿਚਾਰਨ ਠਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਖਸ਼ਟ ਬਰਖ ਕੁਛ ਉਪਰ ਮਾਸ ਪਿਤ ਕੀ ਬਹਿ ਤਬ ਲੱਗ ਹੈ ਸਾਸ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 6 ਵਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪਿਤ ਕੀ ਬਹਿ ਤਬ ਲੱਗ ਹੈ ਸਾਸ,
इनी उम्र जिन्ना चिर बतीत नहीं हुंदी उन्ना चिर ही पिता गुरु सा लवेगा। क्योंकि पिछे इतिहास दे विच एक गल दा जिक्र आया सी कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी शरीर उम्र खत्म हो चुकी सी ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपनी बाकी दी रहिंदी हुई उम्र दित्ती सी। उस गल नूं याद कीता है पृथ्वी ने कि हुण ते जिहड़ी उम्र दित्ती हुई सी ना 6 वरे ते कुछ महीने ओ भी बीत चुकी। समा समीप आए सो गयो गुरता तिलक तबै मैं लयो। सोचदा है कि जिहड़ी उम्र दित्ती हुई सी 6 वरे ते कुछ महीने ओ भी लगभग बीत चुकी है, हुण समा बहुत ज्यादा नेड़े आया होया ते जदों पिता जी चढ़ाई कर जाणगे फिर उन्हां दी गुरियाई दा जिहड़ा तिलक है ना ओ मैं ही मत्थे ते लावां। तावद अर्जन मिले न आए प्रात शरीक सांसी उप जाए। मन दे विच विचार करदा है पृथिया कि हुण समा लागे आ गया है, जिन्ना चिर तक मानो के सतगुरु जी शरीर नहीं छड़दे उन्ना चिर मैनू चाहीदा है कि कदे भी अर्जन भरा मेरा लागे ना आए। प्रात शरीक संसय उपजाए, मानो के भरा शरीक हुंदा है, यह गल मैनू संसा पैदा करदी है, इस करके मैनू चाहीदा है कि हर एक संभव हीला करा जिन्ना चिर सतगुरु जी जीवत ने अर्जन कोल ना। निरसंदेह मैं पिता पिछारी बहुर न बोलह मोहे अगारी। कहिंदा निरसंदेह, इस गल दे विच कोई संदेह नहीं है कि पिता दी मौत तों बाद मैं उन्हां दी गुरियाई ते बैठांगा, बहुर न बोलह मोहे अगारी, ते जदों मैं सतगुरां दी गुरियाई दे उत्ते ही बह गया ते फिर मेरे छोटे भरा ने मेरे अगे की बोलना है, ओ नहीं बोल सकेगा जे मैं इस अधिकार नूं लै लिया। गादी पर मेरो अधिकारू दुर्यो न जाने सब संसारू। हंकारिया होया पृथिया सोचदा है कि गद्दी ते मेरा ही अधिकार है, होर किसे दा कोई वास्ता नहीं है, दुर्यो ना ये गल कोई छुपी हुई है। मन दे भी सोचदा है ये गल कोई छुपी हुई नहीं है कि गुरियाई ते मेरा अधिकार है, ये ते सारे लोग जान दे। पिता जियत लो संसै होई रह प्रतिकूल सदा दिश मोही। पर सोचदा है जिन्ना चिर पिता जी जिउंदे ने उन्ना चिर संसा है, उन्ना चिर शक है, शक इस वास्ते है क्योंकि रह प्रतिकूल सदा दिश मोरी, पता है अपनी करतूत दा। सोचदा है कि जिन्ना चिर सतगुरु जी जीवत ने उन्ना चिर शंका बड़ी है क्योंकि मेरे सतगुरु जी प्रतिकूल ही रहिंदे ने, मेरे सुभाव दे अनुसार नहीं हन, पिता जी मेरे अनुकूल नहीं हन, ना मैं उन्हां दे अनुकूल हाँ। जिन्ना चिर जिउंदे ने पिता जी उन्ना चिर सोचदा है कि संसा है क्योंकि सतगुरु जी का झुकाव मेरे वल नहीं। जे अर्जन टिग आए न तावद नीकी बात मान हो जावद। पर जे उन्ना चिर तक अर्जन पिता गुरु दे कोल ना आवे तां चंगी गल है, ये मेरे वास्ते तां ही सुहावनी। इते आदक बहु हृदय विचार होत न गोर आयस अनुसार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह दिया माड़िया गल्लां हिरदे दे वे सोचदा पृथिया होत ना गुरु आए संसारे, पर माड़े भागा वाला मंद करमी गुरु दे अनुसार होके नहीं चलता। तान बुद्ध बलते चह गुरियाई सरबगन टिग ते किम पाई। हुण कवि जी लिखते ने धन दे नाल अपनी बुद्धि दे नाल अपने बल दे नाल अपनी ताकत दे नाल गुरियाई नूं पृथिया हथियाउणा चाहुंदा है, नपणा चाहुंदा है, पर कवि जी अगे लिखते ने सरबगन टिग ते किम पाई। भाव के जिहड़े सरबग ने जिहड़े सतगुरु जी सब तरह दीआं गल्लां नूं जानण वाले ने उन्हां तों किस तरह इह गुरियाई दी प्राप्ति कर सकदा है, क्योंकि बुद्धि दे नाल बल दे नाल ताकत दे नाल कोई गुरियाई लै नहीं सकदा, पर पृथिया इस तरह करना चाहुंदा जरूर। गयो सिख लव पुरी मझारी श्री अर्जन टिग सकल उचारी। पृथ्वी दीआं गल्लां नूं सुन के मुड़ गया उह सिख, लाहौर दे विच पहुंच गया, श्री अर्जन जी नूं जाके सारा वृतांत सुनाया।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਲੈਨੇ ਗੁਰ ਟਿਗ ਦਈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਟਿਗ ਦਈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਝੂਠੋ ਸੋ ਬੋਲਤ ਲਖ ਪਾਇਵ, ਕੀਨ ਸਮੋਹ ਵਿਦਾਇਤ ਲਾਇਵ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੀਨ ਸਮੋਹ ਵਿਦਾਉਤ ਲਾਇਵ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਵ ਮੈਂ ਤਿਸ ਛਲ ਜਾਣਾ, ਅਬ ਕੇ ਮਤ ਸਰ ਸਹਿਤ ਪਛਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਛਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਦਇਓ, ਤੂਰਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਕਯੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਕਪਟ ਕਰੰਤਾ, ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਏ ਤੁਰੰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਿਓ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਏ ਤੁਰੰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੁਤ ਸੁਣਿਓ ਬਿਰਤੰਤ, ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਛਲੀ ਛਲੰਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਪਟੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਔਰ ਜਾਣਾ, ਕਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਨੋ ਛਲ ਸਾਨਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ। ਬਹੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਇਵ, ਮਿਲਣ ਪਿਆਸ ਕੋ ਅਧਿਕ ਜਨਾਇਵ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਇਆ। ਲਿਖ ਕਾਗਦ ਪਰ ਇਕੱਠੋ ਕੀਨ, ਲਿਖੋ ਇਹਾਂ ਸੋ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਇਹਾਂ ਸੋ ਪਾਠ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ। ਹੋ ਕੋਲੀ ਜੀਉ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਦੱਸਾਂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਣ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰਮ ਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਐ ਪਰੋਏ, ਯਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ
ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।